हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। तो आज हम एलपीटी पेपर वन 2017 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल टोंड मिल्क कंटेन हाउ मच परसेंट फैट। तो टोंड मिल्क के 3% होता है, उसको और डबल कर दिया मतलब 1.5%। टेम्परेचर टाइम कितना होता है एसटीएसटी पास्टराइजेशन में? तो टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस और टाइम होता है 15 सेकेंड। पेक्टोफ्यूज इज अ सेंट्रीफ्यूज दैट सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क। और वो भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मेनली स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम बेसिलाई। अमूल कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1946 में। द थर्ड फेज ऑफ ऑपरेशन फ्लड एंडेड इन 1996 में। द वेरियस टेस्ट परफॉर्म एट द रिस्विंग डॉक आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म टेस्ट। एमसीक्यू की बात करें तो खोवा इज अ टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। तो ये पार्शियली डिहाइड्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, उसका टाइप है ये। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क रिफर्स टू, तो हम क्या करते हैं, एसएनएफ और फैट का ही तो एडजस्टमेंट करते हैं। इतना फैट होना चाहिए, इतना एसएनएफ होना चाहिए, तो वही उसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क इज लैक्टोज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड विद लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। होस्पिटेज टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ पास्टराइज्ड मिल्क। या आपने प्रैक्टिकल में भी इसका टेस्ट किया होगा। काउ मिल्क इज जनरली प्रिफर्ड फॉर मेकिंग छेना। और जो पनीर खोवा होता है वो मेनली बफेलो मिल्क प्रिफर किया जाता है। डिफाइन की बात करें तो एलपीटी में काफी आसान डिफाइन आती है और प्रीवियस ईयर पेपर की ही आती है मोस्टली। तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को टाइनी ड्रॉपलेट या फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि क्रीम सेपरेट ना हो, फैट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ज्यादा व्हाइट दिखे, फुल बॉडी फ्लेवर। बैक्टोफिकेशन क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिल्क से बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसमें किसको निकालते हैं? मेनली स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया जैसे बेसिलाई क्लोस्ट्रीडिया। एमएमपीओ क्या है? बेसिली आप कानून समझ सकते हो, एक ऑर्डर था जो 1992 में निकला था मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लिक्विड मिल्क ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो फॉर रेगुलेटिंग द प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो इसमें मेंटेन, सप्लाई बढ़ाना, वो भी डिजायर्ड क्वालिटी की, उसकी प्रोसेसिंग को देखना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, उसको रेगुलेट करना, ये इसी कानून के अंदर था। अमूल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 में हुई थी। एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट था इंडिया के लिए। इसका स्लोगन द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये मैनेज कौन करता है इसको? जीसीएमएमएफ, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अमूल हैज स्पेयर्ड द व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। अमूल हैज 2.6 मिलियन प्रोड्यूसर मेंबर्स विद मिल्क कलेक्शन। काफी बहुत बड़ा एक कोऑपरेटिव संघ है ये। बटर मिल्क, इसको आम भाषा में छाछ कहते हैं। ये बटर का बाय प्रोडक्ट है। इसको स्वीट क्रीम भी कहते हैं। इसकी कंपोजिशन ये है, 91% वाटर, 0.4% फैट, 3.45% प्रोटीन, 4.5% लैक्टोज, 0.7% एस। पनीर ये एक इंडिजिनस वेराइटी ऑफ एसिड कोगुलेटेड मिल्क सॉलिड। तो एक इंडिया का ये प्रोडक्ट है, कौन सा? एसिड कोगुलेटेड मिल्क सॉलिड, मतलब इसमें जो मिल्क होता है उसमें हम जो हमारा नींबू होता है उसका उसको कोगुलेट करते हैं। ये एक्सटेंसली यूज इंग्रेडिएंट विद वेजिटेबल्स इन नॉर्थन इंडिया। तो पनीर की सब्जी आपने सुना होगा, तो ये काफी फेमस है नॉर्थन इंडिया में। और वेस्टर्न कंट्रीज में इसको कॉटेज चीज का मतलब एनालॉग मानते हैं, ऐसा कैसा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो ये एक रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस लाइक वाटर। तो वाटर के कंपैरिजन में किसकी कितनी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी? वाटर की 1 मान लिया हमने, तो कितनी है वो? मिल्क कितनी होगी? तो मिल्क की ये मेजर बाई होती है लैक्टोमीटर से। काउ मिल्क की होती है 1.028 से 1.030।
याद होना चाहिए, आता है एग्जाम में, वाइवा में भी आता है। टाइट्रेबल एसिडिटी क्या होती है? टाइट्रेबल एसिडिटी और टोटल एसिडिटी एक ही होता है, तो टोटल में आ जाते हैं नेचुरल और डेवलप। तो नेचुरल होती है साइट्रेट फॉस्फेट CO2 की वजह से, और डेवलप्ड होती है लैक्टिक एसिड की वजह से। इट इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ मिल्क विद स्टैंडर्ड एल्कलाइन टू द पॉइंट ऑफ इंडिकेटर लाइक एम्फिनोथिलीन, और इस मेथड से हम बफरिंग कैपेसिटी ऑफ मिल्क को मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट देखते हैं, टेट्रा पैकेजिंग ऑफ मिल्क, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ मिल्क, तो वो वैसा ही है। तो इट इज अ सिक्स लेयर पैकेजिंग विच कीप्स न्यूट्रिएंट इन द मिल्क इंटैक्ट। द प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड अप टू 4 to 6 month, एंड पैकेजिंग ऑफ टेट्रा पैक इज यूजली डन विद UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड से इसकी पैकेजिंग की जाती है। इसकी लेयर्स हैं पॉलीथाइलिन पेपर, पॉलीथाइलिन एल्यूमिनियम, पॉलीथीन पॉलीथीन। ऑर्गेनिक मिल्क क्या होता है? काफी आसान क्वेश्चन है ये तो। व्हेन एवरीथिंग दैट काउ कंज्यूम इज 100% ऑर्गेनिक, द मिल्क इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक। हमें काउ को 100% ऑर्गेनिक खाना खिलाना है, उसका सारा कुछ 100% अगर ऑर्गेनिक हुआ तो मिल्क भी हमारा ऑर्गेनिक होगा। उसमें कुछ भी एंटीबायोटिक नहीं होने चाहिए, ना ही हॉर्मोन, स्टेरॉइड्स, यूरिया, हैवी मेटल, अफ्लाटॉक्सिन, सिंथेटिक विटामिन, केमिकल्स, कुछ भी नहीं होने चाहिए। और इसको कौन सर्टिफाई करता है इंडिया में? फेमस, वेलॉन, अपेडा, NSOP, NPOP, USOCA। हेल्थ बेनिफिट्स क्या? हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्यूफा, ओमेगा 3, ग्रेटर अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल फैटी एसिड। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है था, इसको व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके इंचार्ज थे, मतलब हेड थे। सोशल एंटरप्रेन्योर हु गिव बिलियन लीटर आइडिया वॉज लॉन्च इन 1970, वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ NDDB। इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट एट अमूल एज सिंगल कोऑपरेटिव डेयरी वॉज इंजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, वही सक्सेस था, इस एक इंजन की तरह काम कर रहा था इस बहुत इंडिया लेवल के प्रोग्राम पर। इसमें तीन फेज थी। फेज वन 1970 से 80 वॉज फाइनेंस बाय सेल ऑफ स्कीम मिल्क पाउडर एंड बटर ऑयल डोनेटेड बाय यूरोपियन यूनियन थ्रू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फेज सेकेंड जो कि 1981 से 85 तक चला, इंक्रीज मिल्क सेल फ्रॉम 18 to 136, अर्बन मार्केट्स एक्सपांड द आउटलेट ऑफ मिल्क टू 290। फेज थर्ड 1985 से 1996 इनेबल डेयरी कोऑपरेटिव टू एक्सपांड एंड स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मार्केटिंग इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो ये तीन फेज थी, आपको ड्यूरेशन पता होनी चाहिए और उस ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। मेजर क्वेश्चन की बात करें तो पास्चराइजेशन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी जनरली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कौन कौन सी है। टर्म पास्चराइजेशन, इसमें आप तीन स्टेज, लास्ट टाइम भी आया था प्रीवियस ईयर में। द एज अप्लाइड टू मार्केट मिल्क टूडे, इट रिफर टू प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवरी पार्टिकल ऑफ मिल्क एट लिस्ट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड इन अप्रूव्ड और प्रॉपरली ऑपरेटेड इक्विपमेंट। आफ्टर पास्चराइजेशन द मिल्क इज इमीडिएटली कोल्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। डिफरेंट मेथड्स होते हैं पास्चराइजेशन के, जैसे इन बोटल पास्चराइजेशन, LTLT, STST, इलेक्ट्रिक पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, वैक्यूम पास्चराइजेशन, वेक्रिएशन, स्टेशनाइजेशन, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन, ओपेराइजेशन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं पास्चराइजेशन के। तो हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ। पहला LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। टेम्परेचर कितना है? 63 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना है? 30 मिनट्स। तो इसमें भी तीन तरह के पास्चराइजर होते हैं, वाटर जैकेटेड वेट, वाटर स्प्रे टाइप, कोयल वेट टाइप। फिर STST जो कि मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, इसमें टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस और टाइम होता है 15 सेकेंड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। और इसको फ्लैश पास्चराइजेशन भी कहते हैं। और इसका STST पास्चराइज गिव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मिल्क, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन कंटिन्यूस पास्चराइजेशन सिस्टम।
अगला मेजर क्वेश्चन था हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आइसक्रीम। तो हम आइसक्रीम का सारा कुछ देख रहे हैं, इसके प्रोसेस से लेके इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर सारा कुछ देखेंगे। आइसक्रीम की डेफिनेशन देखते हैं। तो आइसक्रीम एक फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट है मेड बाय सुटेबल ब्लेंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रीम एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट टुगेदर विद सुगर एंड फ्लेवर विद और विदाउट स्टेबलाइजर और कलर और विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू PFA रूल्स 1976 आइसक्रीम इज अ फ्रोजन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम काउ और बफेलो मिल्क और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर एंड फ्रॉम क्रीम एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट विद और विदाउट द एडिशन ऑफ केन शुगर एग्स फ्रूट जूसेस प्रिजर्व और इसमें नॉट लेस देन 10% मिल्क फैट 3.5% प्रोटीन एंड 36% टोटल सॉल्यूट, इससे कम नहीं होना चाहिए। PFA रूल्स 1976 के अकॉर्डिंग इसमें मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, मिल्क फैट जो कि क्या करता है इट एनरिचेस एंड अलाउ द आइसक्रीम टू गिव इट्स फुल रिच क्रीमी फ्लेवर। फिर सेकेंड हमारा मिल्क सॉलिड नॉट फैट, तो इट कंसिस्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन मिल्क शुगर एंड मिल्क मिनरल मैटर इम्प्रूव ऑफ बॉडी एंड टेक्सचर। फिर शुगर हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट टू इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम, जितनी मीठी होती है हमें उतनी अच्छी आइसक्रीम लगती है। इमल्सीफायर मेनली इम्प्रूव द टेक्सचर एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म व्हीपिंग क्वालिटी ऑफ मिक्सचर और स्टेबलाइजर यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल्स स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज। तो सबका अपना अपना फंक्शन है। फ्लेवर क्या करता है, इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम इंड्यूसेस इट्स एस्थेटिक। अब प्रोसीजर की बात करें तो पहले हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। होल मिल्क 60% होता है, 100% में से देख रहे हैं, 20% क्रीम होती है, स्किम मिल्क पाउडर होता है 5%, शुगर होता है 15% और स्टेबलाइजर होता है 0.5%। उसमें भी सोडियम एल्जिनेट 0.3% और GMS 0.2%। प्रिपरेशन ऑफ द प्रिपेयरिंग द मिक्स क्रीम एंड स्टेबलाइजर आर हीट इन द वेट एट 110 फ़ारेनहाइट। एट दिस टेम्परेचर स्किम मिल्क पाउडर शुगर एंड स्टेबलाइजर डिजोल्व। इनिशियली दे आर मिक्सड सेपरेटली विद लिटिल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क, देन द मिक्सचर इज एजिटेटेड टू गेट यूनिफॉर्म मिक्स विदाउट एनी क्लम्प। अब देखते हैं कैसे प्रिपरेशन की जाती है इसकी। पहले स्किम मिल्क आया, उसको हीट किया 50 डिग्री सेल्सियस, फिर आइसक्रीम मिक्स बनाया हमने, इसके भी देखी थी प्रिपरेशन। फिर उसको वार्म किया फॉर वार्मिंग 72 70 डिग्री सेल्सियस, फिर होमोजेनाइजेशन ऑफ मिक्स। फर्स्ट स्टेज इतना प्रेशर होना चाहिए और सेकंड स्टेज में इतना प्रेशर होना चाहिए। फिर उसके बाद पास्चराइजेशन, या तो STST कर लो या LTA LT कर लो। फिर कूलिंग 15 डिग्री सेल्सियस, फिर कूलिंग एंड एजिंग फॉर 5 to 6 आवर 4 डिग्री सेल्सियस पे, फिर फ्रीजिंग ऑफ मिक्स 5 डिग्री सेल्सियस पे, फिर पैकेजिंग ऑफ आइसक्रीम हार्डनिंग, उसके बाद स्टोरेज 96% वाटर इन फ्रोजन स्टेट और फिर आइसक्रीम। तो ये प्रिपरेशन का है पूरा आइसक्रीम का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।